तो दोस्तों यहाँ पे मैंने YouTube पे बहुत ज्यादा घूमा क्योंकि मेरे को ऐसी जरूरत था कि भाई 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक का मतलब कितने सारे ऐसे टैबलेट्स है, चाहे एंड्रॉयड का कह लीजिए या फिर iOS का कह लीजिए, जो दी बेस्ट है मतलब हर एक सेगमेंट में, जैसे कि 40 से लेकर 50,000 के अंदर, 60 से लेकर 70,000 के अंदर और 1 लाख के ऊपर, ऐसे अलग अलग सेगमेंट में कौन सा टैबलेट्स जो है जो काफी ज्यादा बेहतर है एंड काफी ज्यादा पावरफुल है, इन सारे टैबलेट्स के बारे में मेरे को बात करना था। एंड यहाँ पे जो है iOS मतलब एप्पल का एंड एंड्रॉयड का दोनों का ही मेरे को ऐसे कम्बाइंड करके वीडियो चाहिए था कि मतलब हर एक सेगमेंट में दो बेस्ट ऐसा होना चाहिए। ऐसा वीडियो मेरे को कुछ ऐसा सच मिला नहीं यूट्यूब में, तो मैंने सोचा कि भाई एज ए टेक यूट्यूबर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस टॉपिक में, इस मुद्दे में बात करूं इन लोगों को भाई, ऐसे मतलब 40 से 50,000 से शुरू करके 1.5 लाख के अंदर ऐसे बेस्ट टैबलेट कौन सा है जानना है, उन लोगों को लेना है या फिर वो लोग इंटरेस्टेड है तो भाई ये वीडियो उन लोग ले डेफिनेटली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीपी, मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव एंड आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है, बेस्ट गेमिंग टैबलेट कह लीजिए या फिर टैबलेट कह लीजिए इन August/September 2023 आने वाले टाइम पे भी आप इन टैबलेट्स में से कोई भी एक उठा सकते हो। एंड यहाँ पे ये भी कह सकता बेस्ट iOS एंड एंड्रॉयड टैबलेट्स ऑफ मतलब इस सेगमेंट का ऑल टाइम ऐसा कुछ कह सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मित्रों 40 से लेकर 50,000 के अंदर एक iOS का सबसे बेस्ट टैबलेट एंड एक एंड्रॉयड का सबसे बेस्ट टैबलेट। गाइस 40 से लेकर 50,000 के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले एंड्रॉयड का बात करते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने OnePlus Pad को पिक किया क्योंकि यहाँ पे Xiaomi Pad 6B था पर उसे पिक क्यों नहीं किया, उसके लिए ये वीडियो आप लोग देख सकते हो एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं OnePlus Pad के बारे में, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंजम्पशन आपका मतलब मल्टीमीडिया आउटपुट जो है 11.61 इंच का डिस्प्ले है, 144 हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, Dolby Vision सपोर्ट करता है, HDR 10 प्लस का डिस्प्ले है, ये LCD डिस्प्ले है, यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाएगा ट्यून्ड बाय डॉल्बी एटमॉस एंड परफॉर्मेंस को बात करते हैं, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 देखने को मिल जाता है विद एलईडी डिस्प्ले 5 एंड यूएफएस 3.1। सॉफ्टवेयर का अगर बात करते हैं तो एंड्रॉइड 13 विद ऑक्सीजन ओएस 13.1। बैटरी यहां पे आपको 9510 एमएएच का देखने को मिल जाएगा विद 67 वाट वेयर चार्जर। iOS वन टैबलेट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एप्पल आईपैड मिनी 6 Gen देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मल्टीमीडिया आउटपुट को बात करते हैं तो 8.3 इंच का लिक्विड रेटिना वाला डिस्प्ले है एंड ये वाला IPS LCD डिस्प्ले है, स्टेरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे A15 बायोनिक है जो कि 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, ये एक हेक्साकोर प्रोसेसर है, यहाँ पे 2 कोर मिल जाता है सबसे पावरफुल, जिसका अगर पीक क्लॉक स्पीड का बात करते हैं तो 2.93 GHz का पीक क्लॉक स्पीड है। GPU यहाँ पे FL GPU देखने को मिल जाएगा 5 कोर वाला। नेक्स्ट आते हैं 60 से लेकर 70,000 के अंदर सबसे पहले एंड्रॉइड का बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 प्लस, यहाँ पे मल्टीमीडिया आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, सुपर एमोलेड 120Hz हायर रिफ्रेश रेट HDR 10 प्लस का डिस्प्ले है एंड यहाँ पे 12.4 इंच का डिस्प्ले साइज है इसका विथ स्टेरियो स्पीकर, 4 स्पीकर यहाँ पे ट्यून्ड बाय AKG देखने को मिल जाएगा, मतलब ट्यून्ड बाय AKG मतलब प्रीमियम वाला स्पीकर है। परफॉर्मेंस का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिल जाएगा जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना है, GPU आपको एड्रीनो 730 देखने को मिल जाता है एंड सॉफ्टवेयर आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है With One UI। बैटरी का अगर बात करते हैं तो 10,090 mAh का बैटरी है, यहाँ पे 45W के वायर चार्जर के साथ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं 60 से लेकर 70,000 के अंदर iOS वाला टैबलेट के बारे में, तो यहाँ पे है Apple iPad Air 5th Generation, जहाँ पे मल्टीमीडिया कंजम्पशन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिक्विड रेटिना IPS LCD का डिस्प्ले है जिसका साइज है 10.9 इंच का, यहाँ पे भी आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे जो है ये पिछले साल का कंप्यूटर वाला प्रोसेसर है, मतलब ये मैक स्टूडियो में देखने को मिलता है, Apple M1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, इसका क्लॉक स्पीड 3.2 GHz का है एंड यहाँ पे GPU जो है 8 कोर का GPU देखने को मिल जाएगा। अभी आते हैं दोस्त 1 लाख के ऊपर वाला टैबलेट्स के ऊपर, तो एंड्रॉइड वाला का बात करते हैं तो यहाँ पे Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, अगर मल्टीमीडिया आउटपुट का बात करते हैं तो यहाँ पे 14.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, इसका अगर डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो डायनामिक है, मतलब 2x का डिस्प्ले है जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है एंड्रॉइड के अंदर एंड यहाँ पे आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाता है ट्यून्ड बाय AKG। अगर परफॉर्मेंस का बात करते हैं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th Generation 2 कस्टम फॉर गैलेक्सी LPDDR5X है, इसके साथ UFS 4.0 है, सॉफ्टवेयर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा, One UI 5.1 एंड बैटरी यहाँ पे आपको 1200 mAh का देखने को मिल जाएगा, इसके साथ 45W के चार्जर के साथ।
एंड नेक्स्ट वाला टैबलेट जो है iOS का, वहाँ पे आपको एप्पल iPad Pro देखने को मिल जाता है 2022 का 12.9 इंच का। ये काफी ज्यादा पावरफुल टैबलेट है भाई। एंड यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया आउटपुट का बात करते हैं तो यहाँ पे वही लिक्विड रेटिना XDR देखने को मिल जाता है। HDR 10 सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है इसका डिस्प्ले, 12.9 इंच का डिस्प्ले ऑब्वियसली है। एंड यहाँ पे आपको क्वाड स्पीकर देखने को मिल जाएगा। गाइस इसका अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे M2 देखने को मिल जाता है, जो एक्चुअली में स्टूडियो वाला प्रोसेसर है, मतलब काफी पावरफुल PC वाला प्रोसेसर है। तो ये सारा टैबलेट में से सबसे पावरफुल अगर गेमिंग टैबलेट का बात करते हैं तो वो है मतलब iPad Pro जो है M2 वाला 2022 का 12.9 इंच का। एंड यहाँ पे अगर सबसे कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल मतलब टैबलेट का बात करते हैं तो वो है iPad Mini। एंड अगर एंड्रॉयड का बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली है मतलब Samsung Galaxy Tab S9 Ultra जो है। तो बस दोस्तों यहाँ पे किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म को मैं यहाँ पे जिता नहीं रहा हूँ, हरा नहीं रहा हूँ। हर एक सेगमेंट में हर एक प्लेटफॉर्म का टैबलेट जो है वो अवेलेबल, आप इनमें से किसी भी एक टैबलेट को उठा सकते हो। ये सारे ऑप्टिमाइज्ड है एंड ये सब जो डिवाइस है ये एकदम भरोसे लायक डिवाइस है, आप इसे ले सकते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में अगर कोई शंका है तो कमेंट में बजाइए, एकदम फ्री है भाई। और जिन लोगों को टैबलेट लेना है एक्चुअली में, तो ये वीडियो ना काफ़ी लंबा बजट को मतलब काफ़ी फैला हुआ बजट को टारगेट करता है, काफ़ी फैला हुआ मतलब सेगमेंट्स को टारगेट करता है। तो ये वीडियो किसी को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।